तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अरफन मोला फ़न का सुल्तान सुल्तान राई एक वर्सटाइल फ़नकार थे। अगर हम फिल्म मोला जट की बात करें तो फिल्म मोला जट में सुल्तान राई आपको गंडासा लहराते हुए नज़र आएंगे। बदबख्ती सिर्फ तो जट दा सिर्फ ना सुने नहीं देखा। अगर हम फिल्म बाबल तेरे सदके का जिक्र करें तो सुल्तान राई बूढ़े बाप के रोल में जानदार अदाकारी करते हुए नजर आएंगे। इनो? 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 अगर आपने फिल्म किस्मत देखी है तो सुल्तान राई को आप एक पागल के रूप में शानदार परफॉर्मेंस के साथ मिलेंगे। अगर हम कॉमेडी की बात करें तो फिल्म शेरा बलोच में गंजे का किरदार और पठान का किरदार क्या खूब अदा किया। हम से बोलते जंग करेगा, जंग खुद करेगा। खान साहब, खान साहब, वो क्या खान साहब, खान साहब, तुम्हारी बहादुरी के सिले थोड़ा जहा इनाम है। वो भाई जान, इंसान का बच्चा का कोई कीमत है? हम ये पैसा नहीं लेके खड़ा। ले ले अपना ये भी थाने दारों रिटायर होए ने पूरे नोट कमाए ने। गर्ज सुल्तान राई साहब को जो भी करैक्टर दिया गया उन्होंने शानदार अदाकारी का मुजाहरा किया। सुल्तान राई साहब बड़े सगीर के वो वाहिद एक्टर हैं जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है। इसकी वजह वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है तो आज तक कोई नहीं तोड़ सका, वो है एक साल के अंदर 36 फिल्में। जी हाँ, सुल्तान राई ने एक साल में 36 फिल्मों में काम करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया जिसकी वजह से इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ और आज तक कोई भी एक्टर, कोई भी अदाकार उनका ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका। सुल्तान राई साहब की एक्टिंग की वजह से इंडिया के कई एक्टर उनके दीवाने थे, उनके फैन थे, जिनमें रणबीर कपूर, धर्मिंदर, अच्छा इसके अलावा अमिताभ बच्चन साहब। सुल्तान राई साहब ने जब भी काम किया तो ऐसा काम किया कि फिल्म की कामयाबी की ज़मानत समझा गया। अगर आपको मेरी ये मालूमात अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।